स्वागत करता हूँ दोस्तों का और सेट थ्री आ चुका है लेक्चर नंबर तीन आ चुका है मॉकटेस्ट है जिसमें थ्योरी ऑफ मशीन के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया लेवल पे आप लोगों से गुजारिश है की ये सलेक्शन वॉरियर सीरीज यार मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जहां पे सिर्फ बात होगी सलेक्शन की जहां पे बात होगी सिर्फ मजबूत इरादों की और जहां पे बात होगी डेडिकेटेड स्टडी की जहां पे बात होगी सिस्टमेटिक स्टडी की जहां पे बात होगी हर एक एग्जामिनेशन के क्वेश्चन की तो गाइज मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जहां जहां आप लोग जुड़े हुए हैं जिस जिस प्लेटफॉर्म पे आप लोग जुड़े हुए हैं एक बार लिंक को कॉपी करिए और सेशंस को शेयर करिए क्योंकि आर के मिश्रा आप लोगों के बीच में लाइव आ चुके हैं आपका अपना शो लेकर के द सेलेक्शन वॉरियर शो तो गाइज अगर आपको आवाज ऑडियो और वीडियो सब कुछ आ रहा तो एक बार मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा और क्विकली आने की कोशिश करिएगा क्योंकि ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का वो सू है जो आपको आपकी मंजिल तक लेकर के जाएगा दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं और सभी लोग बताइएगा रवि एंड राइट रति संजीत एंड श्रेजा मीट एंड सभी विद्यार्थियों को मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं बेटा आपके अपने परिवार में क्विकली आने की कोशिश करो सब लोग आ जाओ और मुझे आप लोग बताइएगा जरूर कि आप लोग कैसे हैं एक बार फटाफट सभी लोग मुझे कमेंट करके बताइए हाउ आर यू गाइज आ जाओ सब लोग फटाफट मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोग कैसे हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को देख करके यार बहुत अच्छा लगता है तो आ जाओ सब यार आ जाओ सब भाई बहुत ही मजा आने वाला है सेशन अच्छा लगे तो लाइक करिएगा स एस सी जेई का फॉर्म ऑनलाइन तो नहीं हो रहा हो जाएगा बहुत जल्दी हो जाएगा बहुत जल्दी हो जाएगा एस एस सी जई का फॉर्म बस अपना प्रिपरेशन जारी रखो तुम बहुत कुछ कर दोगे यार सावन का सोमवार है महादेव के आशीर्वाद से हर हर महादेव एक बार बोलिएगा आप लोग और आज के सेशन की शुरुआत किया जाए आज के सेशन की शुरुआत किया जाए हर हर महादेव के नाम से भगवान की कृपा आप लोगों पर बना रहे बस मैं यही आप लोगों से गुजारिश करूंगा यही गुजारिश करूंगा बेटा राजीव बेटा दीपक मीत पटेल शेख अविनाश एंड दीपांशु रविराज रती श्रीवास्तव बहुत ही मजा आने वाला है यार हर हर महादेव चलिए सेशंस की शुरुआत करते हैं एक पावरफुल मोटिवेशन से मेरा मोटिवेशन यही रहता है दोस्तों हौसले बुलंद है तो पहाड़ों में भी रास्ते नजर आते हैं हौसले बुलंद हैं तो पहाड़ों में भी रास्ते नजर आते हैं जब जब मानव जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है तो ये एग्जाम क्या है दोस्तों एग्जाम तो बस एक डेडिकेशन स्टडी है अगर आपने ढंग से पढ़ाई की तो दुनिया में आपका कोई भी आज सबसे बड़ी बात इस वीडियो में आप लोग क्या पाओगे सबसे पहले पता होना चाहिए बेटा सर मैं इलेक्ट्रिकल से हूं डीडीए के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो बेटा ये लेक्चर आपका डीडीए के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन होगा मैं आपको बता रहा हूं डीडीए के लिए वन स्टॉप होता होगा बेटा आप देख सकते हैं डीडीए के लिए, क्योंकि डीडीए मैकेनिकल आता है देखिए मैं आपको एक बात बताऊं जितने भी बच्चे अगर नया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का महापैक आज लेने का बेस्ट टाइम है क्योंकि आज के बाद डबल वेल्यूटी खत्म हो जाएगी जिसमें आपको ये सारे बैचेस मिल जाएंगे मैकेनिकल का प्राइम टेस्ट पैक एमपी सब इंजीनियर टू पॉइंट जीरो मैकेरिंग का सिलेक्शन बैच और ये नॉन टिक बैच और इनफैक्ट आरआरबी का भी बैचेस और पुराने सारे रिकॉर्डेड कंटेंट और प्लीज जिसको डिसाइड करना है आज डिसाइड करके देना वाई टू कोड लगाना मेरा रेफरल कोड है आरके सर का रेफरल कोड है बहुत ही आपका शानदार मैक्सिमम डिस्काउंट देगा और मेरी पर्सनल मेंटरशिप देगा और डेडिकेटेड प्रिपरेशन होगा चलिए दोस्तों सेशन की शुरुआत करते हैं बहुत ही मजा आएगा फटाफट सभी लोग बताइएगा पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लगा दिया हूं चलिए दोस्तों अविनीश कुमार नाम है सर जी बहुत अच्छा बेटा अविनीश बहुत अच्छा हर हर महादेव हर हर महादेव पहला क्वेश्चन बेटा ये है आप लोगों का इफ द इफ इन द क्रैंक एंड स्वाटेड बार द कनेक्टिंग सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर देन फाइंड आउट द कटिंग एंगल आपको बताना है बेटा कटिंग एंगल कितना होगा आप लोग बता सकते हैं क्या अगर बता पाए तो अगर नहीं बता पाए तो मैं जिंदा हूं आप लोगों के लिए मैं जिंदा हूं देखिए मैं आपको पिक्चर की बात अगर आप कहते हैं तो क्रैंक एंड स्लाटेड बार मैं आपको दिखा देता हूं क्रैंक एंड स्लॉटेड बार आपको दिखा देता हूं बेटा जल्दी से तुम लोग जवाब दो तब तक मैं आप लोगों के लिए क्रैंक एंड स्वाटेड बार का रियल लाइफ एग्जाम्पल आपको मैं दिखा देता हूं बेटा सो so दैट आप आर के सर की क्लास में पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब कुछ स्पेशल तो आप लोगों को मिलना ही चाहिए बेटा ये आपको देखिएगा क्रैंक क्रैंकड बार है एक बार है और बीच में यह देखिएगा बेटा क्रैंक क्रैंक है ये आपका है ये है है आपका और हमारा कनेक्टिंग रॉड ठीक तो इसमें देखिए कनेक्टिंग रॉड का लेंथ दिया हुआ है कनेक्टिंग रॉड का लेंथ दिया हुआ है क्रैंक का लेंथ दिया हुआ है और आपसे पूछा है कटिंग एंगल की वैल्यू बताइए हैव यू क्रैक दिस क्वेश्चंस ओके okay, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर आंसर ए होगा 240 डिग्री क्या बात है भाई क्या बात है चलिए इसको करते हैं धुआं धुआं उड़ाते हैं बेटा आकाश मैं बहुत अच्छा हूं यार बहुत अच्छा हूं आप लोगों की कृपा है सहयोग है बस देखो देखो बेटा इसको थोड़ा सा जूम करो ये आप समझना ये एंगल कितना होगा ये एंगल कितना होगा देखो ये हमारा पथ कितना है जरा बताइए क्रैंक का लेंथ कितना है सौ सेंटीमीटर क्रैंक की लंबाई कितनी है बेटा सौ सेंटीमीटर कोई बात नहीं यार 100 सेंटीमीटर कनेक्टिंग रॉड की कितना है बेटा 200 सेंटीमीटर कनेक्टिंग रॉड की कितना है 200 सेंटीमीटर कोई बात नहीं ये एंगल मान लो कितना है चलो एक सेकेंड के लिए ये एंगल आपका बीटा है तो मतलब आप ये समझना यहां पे अगर आप कॉस बीटा करोगे कॉस बीटा करोगे तो मुझे लग रहा है कि 100 बटा 200 आ जाएगा तो जो बीटा की वैल्यू आ जाएगी बेटा वो 1 बटा मतलब मतलब 60 डिग्री आ जाएगी कितनी आ जाएगी 60 डिग्री अगर ये 60 डिग्री है बेटा तो एक से ज्यादा रखेगा जैसे स्लाटेड बार यहाँ है तो जब स्लाटेड बार ये यहाँ आएगा ना स्लाटेड बार यहाँ आएगा तो क्रैंक हमारा यहाँ आ जाएगा तो अगर ये सिक्सटी है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा सिक्सटी हो जाएगा तो ये वाला एंगल होता है कटिंग एंगल क्योंकि यहां से यहां जब आपका स्लाटेड बार जाएगा तो आपके मेटल को कट करेगा तो आप बताइए ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा एक तो 120 ये हो जाएगा टोटल एंगल हमारा 360 360 सौ माइनस कितना हो जाएगा बेटा जरा बताइएगा 240 डिग्री तो कटिंग का एंगल हमारा 240 हो जाएगा जो कि आपसे नंबर बी इज द राइट आंसर हाँ दीपांशु ये भी आपकी बात सही है कि कटिंग एंगल की वैल्यू हमारी ज्यादा होती है रिटर्न एंगल से That's why हमारा 120 तो होगा नहीं 240 आपका हाँ राइट आंसर हो जाएगा तो कितना आसान सा क्वेश्चन आप गलत कर बैठे यार कितना आसान सा क्वेश्चन लोगों का गलत हो गया आपको बता रहा हूं आगे गलत नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े फटाफट मुझे कमेंट करके बताओ मेरे भाई फटाफट सभी लोग मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना दोस्त जल्दी से मुझे कमेंट करके गुरु जी पढ़ा बेटा ठीक है, चलिए ओके गुड मोर्निंग राकेश बेटा गुड मनिंग गुड मनिंग सभी लोग बताइएगा गुड इवनिंग भाई चलिए अब अगर इसी क्वेश्चन में आपसे कुछ और पूछ लेता चलिए इसी क्वेश्चन में आपसे पूछू ये देखिए आपको क्रैंक एंड स्लाटेड बार का एक्सट्रीम पोजिशन दिखाया जा रहा है मैंने आपको पहले ये वाला पोजिशन दिखाया था अब ये वाला पोजिशन दिखाया तो इस पोजिशन में ध्यान दीजिएगा ये वाला जो हमारा एंगल होता है वाला हमारा एंगल होता है वो यहां से लेके यहां तक रिटर्न एंगल होता है और यहां से लेके यहां तक कटिंग एंगल होता है तो देखने में आपको कौन सा एंगल ज्यादा लग रहा है फटाफट मुझे बताइएगा देखने में आपका कटिंग एंगल ज्यादा लग रहा है रिटर्न एंगल कम लग रहा है ठीक है चलिए शानदार एक होता है बेटा क्विक रिटर्न रेशियो तो ये होता है बेटा थीटा बाई बीटा

कटिंग में ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि कटिंग का एंगल भी ज्यादा है थीटा बाई जब बात कर रहे थे तो आपने कहा कि थीटा बीटा की वैल्यू हमारी एक से ज्यादा होगी तो तो बात बात है तो बात है कटिंग टाइम टाइम बटा रिटर्न हमारा से ज्यादा ही होगा क्योंकि कटिंग करते समय ज्यादा टाइम लगेगा वापस आते समय कम टाइम लगेगा क्योंकि कटिंग के दौरान हमारा लोड होता है और रिटर्न के दौरान हमारा लोड नहीं होता है लेकिन मैं आपसे पूछूं कि कटिंग बटा रिटर्न का रेशियो कितना होगा आप मुझे बता सकते हैं क्या बस लगे हाथ बस इतना बता वाला मेरे 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 भी क्वेश्चंस करना जरूर क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है कि एक फिक्स पैटर्न पे आए क्वेश्चंस नए नए भी आते रहते हैं और मुझे भरोसा है तुम लोग इसका भी जवाब दे दोगे चलो फटाफट इसका भी जवाब देना बेटा ऑप्शन वही है अब आपको जवाब देना है सबसे पहले आप लोगों को अब जवाब देना है कि इसका आंसर क्या होगा बहुत ही प्यारा वाह क्या बात है बेटा क्या बात है क्या बात है क्या बात है बहुत सही जवाब बेटा बहुत सही जवाब आई एम रेवी है वेरी हैप्पी बहुत सही लगा कि आप लोगों ने सबने एक सुर में जवाब दिया ये मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि तो देखो बेटा कटिंग वेलोसिटी ऑब्वियस बात है कम होगी सी की वैल्यू हमारी VR से क्या होगी कम होगी तो इसकी वैल्यू हमारी लेस देन वन आ जाएगी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा अब ये फॉर द सिंपल मैकेनिज्म हाउ मेनी इंस्टेंटेनियस सेंटर इज पॉसिबल विथ और विदाउट हायर पेयर अब ये देखते हैं क्वेश्चन करके दिखाना बहुत बहुत ही मतलब मैं आपको बताऊं बहुत ही गजब का क्वेश्चन है आज तक आपने ये ऐसा क्वेश्चन देखा ही नहीं होगा मैं ये गारंटी देता हूं कभी आपने देखा होगा तो मैं ये क्वेश्चन कराना बंद कर दूंगा ये वाला क्वेश्चन आज तक आपने कहीं नहीं देखा होगा सोच समझ करके जवाब दीजिएगा सबसे पहले मैं देखता हूं कि आप लोगों में से सबसे पहले इस का जवाब कौन शेर ऐसा है जो देता है एकदम सटीक जवाब देता है सटीक जवाब देने वाले बच्चों की संख्या में जानना चाहता हूं हाँ। देखिए ये मैं जानता था ना कि आप जवाब देंगे आप जवाब देंगे।, देंगे ओके चलिए ठीक है माना कि आपने ए आंसर दिया लेकिन ए आंसर गलत है आप बताइए क्या करेंगे आप अब मेरा आप क्या करेंगे अगर आपका ए आंसर गलत है सनी आर्यन बेटा गुड मैं अगर मैं बोलूं कि नहीं ए इज नॉट द राइट आंसर अगर मैं आपसे बोलूं कि ए इज नॉट द राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चे ए इज नॉट द राइट आंसर तब आप क्या करोगे मारोगे मुझे मारो मुझे मारो मुझे नहीं बेटा आप देखिए देखो अगर हम बात करें देखो ये भी तो सिंपल मैकेनिज्म की क्या क्या होती है सिंपल मैकेनिज्म वही तो होता है जिस पे नंबर ऑफ लिंक हमारे चार या चार से कम होते हैं यही तो होता है कंपाउंड मैकेनिज्म क्या होता है नंबर ऑफ लिंक की संख्या चार से ज्यादा होती है सिंपल सी बात है देखो अगर हमारा विदाउट हायर पेयर की बात करोगे जैसे विदाउट हायर पेयर की बात करोगे अगर सभी हमारे लोअर पेयर हो जाए

लेकिन इसमें तो नंबर आप रिंग की संख्या कितनी होती है बेटा तीन होती है ना क्योंकि यहाँ पे हायर पेयर भी है तो यहां पे तीन से ही काम चल सकता है आपका तीन रिंग से ही काम चल जाएगा तो यहाँ पे जब तुम आईसी निकालोगे तो एन एन माइनस वन बाई टू तो तीन इंटू दो बाई दो तो यहाँ पे तीन आईसी तीन भी हो सकता है छह भी हो सकता है बेटा तीन भी हो सकता है छह भी हो सकता है तो अब आप लोग इसका आंसर बताइएगा अब आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि नहीं बेटा मतलब ए और डी या ई e ऑप्शन होगा अब आप लोग अब आंसर बताइएगा क्या सच में आपने ये पहली बार क्वेश्चंस देखा सच में आपने पहली बार देखा बेटा आप लोग बताइएगा सच में ये पहली बार क्वेश्चंस देखा मजा आया कि नहीं एक बार मुझे जरूर बताइएगा दोस्तों आपको क्वेश्चंस कैसा लग रहा है फटाफट मुझे बताइएगा और मजा आया कि नहीं आप लोग बताइएगा मजा आया कि नहीं मजा नहीं आया तो मैं पैसा वापस कर देता हूं दोस्तों एक चीज याद रखिएगा मेरा इंटेंशन होता है चीजों को आप बेहतर तरीके से सिखाना बस यही चाहता हूं गाइज आप लोग यार सेशन को शेयर कर दो यार फटाफट सारे लोग आ जाइए मैं आप लोगों से अगेन बोलूंगा यार कि आपका ही सेशन है आप लोगों के लिए ही सेशन आ, प्लान करता हूं ठीक है इफ अच्छा एक बात बताइए अगर यहां पे विथ और विदाउट नहीं मेंशन होता सिंपल ये बोलता कि सिंपल मैकेनिज्म है तो आप छे आंसर दे अब आपको बताना है बेटा व्हाट इज द लोकेशन ऑफ आईसी ऑफ द तो रिवल्यूट पेयर रिवोल्यूट पेयर का हमने हमने मैकेनिज्म ऑफ हायर पेयर नहीं पढ़ा था कोई बात नहीं आज तो पढ़ लिया दोस्तों बहुत

मैं ए इज नॉट द राइट आंसर तो क्या करोगे आप मैं बोलूं ए इज नॉट द राइट आंसर तो क्या करोगे मार कर दोगे मुझसे देखो मजा आए तो सेशंस को लाइक जरूर करना मज़ा आए तो सेशंस को लाइक जरूर करना बेटा <laughs> बिल्कुल आपका सही है बेटा पॉइंट ऑफ टर्न इज द राइट आंसर देखो पॉइंट ऑफ टर्न पे ही होगा डेफिनेटली आपका पॉइंट ऑफ टर्न पे ही होगा बेसिकली uh, ये देखो देखो टर्निंग पेयर का आईसी हमारा ऑलवेज यही होता है टर्निंग पेयर का आई जो होता है बेटा ऑलवेज यही होता है लेकिन अगर हम बात करें रोलिंग पेयर की बात करते हैं तो रोलिंग पेयर का आई जो है, point -up contact होता है पॉइंट ऑफ कंटेक्ट पे होता है कहाँ होता है पॉइंट ऑफ कंटेक्ट पे होता है लेकिन अगर आप स्लाइडिंग पेयर की बात करते हैं जैसे कि एक आपका स्लाइडिंग पेयर है तो स्लाइडिंग पेयर का आई जो है, infinite होता है वो इनफाइनाइट पर होता है स्लाइडिंग पेयर का जो आईसी होता है बेटा वो इनफाइनाइट पर होता है और वी ए और वी बी तो ये हमारा कभी एक दूसरे को कट नहीं करते तो इनफाइनाइट पे होते हैं जैसे इसमें अगर आपको देखना है तो पॉइंट ए मान लो पॉइंट बी मान लो बेटा तो ए पर हमारे डायरेक्शन है, है तो, अगर इसके ड्रा इसके ड्रा तो ये जाकर के यहीं पे कट करेगा तो ये हमारा वी ए है ये हमारा वी बी है ठीक है तो जहां पे वेलोसिटी दो इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पे हमारा आईसी हो जाएगा जैसे इसमें हमारा यहाँ पे इंटरसेक्टर थे यहाँ पे इनफाइनाइट पे करेंगे यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंटेक्ट पे करेंगे तो इसलिए हमारा पॉइंट ऑफ कंटेक्ट होता है बाकी अगर हम बात करें बेटा कि जैसे कि आपका कोई इस तरह का सरफेस है और उस पर हमारा कोई सर ऑब्जेक्ट आपका मतलब कि स्लाइड कर रहा है तो इस इसपे जो आईसी होगा इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा आपने तो डरा ही दिया था डरा नहीं दिया था यार कभी कभी आपको अवेयर करता हूँ आपको मैं अवेयर करता हूँ बेटा अलर्ट रहना

आप जब सो के उठ करके नहा करके धो करके पानी पी करके खाना खा करके आप जब अड्डा का ऐप खोलोगे तो आर के मिश्रा वहां पे दिखेंगे दिखेंगे जोरदार तरीके से वहां वाह बेटा दीपांशु प्रियांशु रजनी राजीव गोवी शेख रवि सुमित हार्दिक पटेल दीप शिखा दीपक गोला के रति अभिजीत क्या बात है भाई राजेश खान

एन माइनस एन बाई टू कर देते हैं तो वो मार के भक से आ जाते हैं लेकिन धक से उसका गलत हो जाता है भक से मार के आते हैं धक से गलत हो जाता है मैं आपको बता रहा हूं लेकिन इसका सही आंसर मेरे भाई इसका सही आंसर टू होगा बिल्कुल टू इज द राइट आंसर मैं आपको अगेन बता रहा हूं क्योंकि मैंने आज ही अपने पेड बैच में पूरा का पूरा सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाया देखो पढ़ाया था ये देखो आपको ये आपको मैंने ये पूरा पढ़ाया था आपको देखना ये ये बेटा देखो फोर बार मैकेनिज्म है डिफरेंट टाइप्स ऑफ आई मैंने आप लोगों को पढ़ाया है प्रॉपर तरीके से इन दोनों लाइनों को एक्सटेंड करने पे ये हमारा आई वन थ्री बनता है इन दोनों लाइनों को एक्सटेंड करने पे इन दोनों को आपको एक्सटेंड करने पर i24 पर तो ये जो नॉन परमानेंट का मतलब है कि मैकेनिज्म में ये कभी एग्जिस्ट कर सकते हैं कभी नहीं कर सकते हैं मैं आपको अगेन बता रहा हूं समझ गए बात जिनकी पोजीशन फिक्स होते हैं जो चेंज नहीं करते हैं अपने लोकेशन को उसको फिक्स्ड आईसी बोलते हैं और जिसके पोजीशन चेंज होते रहते हैं बट हर पोजीशन पे वो आईसी एग्जिस्ट करते हैं उसको परमानेंट आईसी बोलते हैं अच्छा इसको मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ बोलते हैं इन दो आईसी को नॉन परमानेंट ही बोलते हैं? क्या आप लोग मुझे बताइएगा दोस्त जरूर बताइएगा सीपीआर बेटा क्या होता है ना कि मैं आपको वीडियो जरूर किया हूं यूट्यूब पे इस भाई का कोई हेल्प कर दे सीपीआर टेक्निक से ही पढ़ाई करनी चाहिए मैंने आप लोगों को वीडियो किया है जरा बताइएगा दोस्तों ये सभी लोग बताइएगा देखो आरके सर के पेड क्लास का नोट्स इस तरह से बनाया जाता है थैंक यू बेटा थैंक यू बस आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है बाकी तो दुनिया में मैं कुछ भी कर सकता हूं तुम्हारे लिए चलो बेटा तो यहां पे राइट आंसर देखो आपका ऑप्शन नंबर ए इज नॉट द राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सी इज द राइट आंसर बेटा चलो देखो ये हमारा रिवोल्यूट पेयर है इसका आईसी यहीं पे होगा याद रखिएगा यहीं पे होगा ये हमारा स्लाइडिंग पेयर है बेटा इसका आईसी हमारा इनफाइनाइट पे होगा स्लाइडिंग पेयर की आईसी कहां होती है इनफाइनाइट पे होती है मेक श्योर आईसी हमारी इनफाइनाइट होगी रिवोल्यूट पेयर की आईसी कहां होगी बेटा पॉइंट ऑफ टर्न पे होगी दिमाग नेक्स्ट अब कुछ नया सीखो बेटा नहीं इनकी पोजिशन चेंज रणवीर दास जी कह रहे हैं सर एक शायरी सुना दो किस तरह की शायरी सुनना चाहते हो आप लोग बताओ तो अपने टेस्ट तो बताओ कि सर हमारे शायरी के सुनने का टेस्ट ये है ये वाला टेस्ट हमें है शायरी सुना दीजिए मैं सुना दूंगा यार हमारे पास तो शायरी के जखीरा पड़ा हुआ है जखीरा है दर्द भरी शायरी मोहब्बत वाली शायरी ब्रेकअप वाली शायरी मोटिवेशन वाली शायरी जूता चप्पल वाली शायरी किसी भी तरह की शायरी सुनोगे सब बता दूंगा दोस्तों ओ चलो इस क्वेश्चंस का जवाब देना बेटा और सारे लोग एक बार सेशंस को फटाफट शेयर कर दो यार सारे विद्यार्थी लोग एक बार सेशंस को शेयर कर दो सब लोग आ जाओ आपका ही अपना शो है आपका अपना शो है देखो बेटा यहां पे आपका राइट right आंसर आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर डेफिनेटली कोई दो राय नहीं है कि ऑप्शन नंबर ए ही आंसर होगा क्योंकि देखो आपका एक कैनेडीज थ्योरम होता है कैनेडीज थ्योरम यही कहता है बेटा थ्री बॉडी बॉडी आपस में रिलेटिव मोशन कर रहे हैं राइट तीनों बॉडी तो इनके तीन आईसी ऐसे होंगे जो एक सीधी लाइन पे होंगे आप देखिएगा जरा आई वन टू और आई वन फोर और आई टू फोर ये तीनों आईसी एक सीधी लाइन में है कि नहीं बताइएगा ये तीनों आईसी आपकी एक सीधी लाइन में है कि नहीं ये आपकी तीनों आईसी एक सीधी लाइन में है कि नहीं ये आपकी तीनों आईसी एक सीधी लाइन में है कि नहीं ये तीनों आपकी आईसी सीधी लाइन में है नहीं तो मतलब यही कहता है मतलब यही कहता है बेटा कि तीन आईसी मस्ट बी इन द सेम लाइन लुक लाइक कैनेडीज थ्योरम मैं आपको अगेन बता रहा हूं ये आपका लुक लाइक कौन सा कैनेडीज थ्योरम होता है ये दिमाग में आपको रखना है बेटा ठीक है वीडियो आई थिंक अब तो वीडियो सही हो गया बेटा अब तो आपका सही हो गया आप लोग बताइएगा बेटा अब आप लोग बताइएगा सही हो गया डी नहीं हो सकता आईसी मस्ट बी नहीं देखो ऐसा नहीं होता है। सारे आईसी सेम लाइन में नहीं हो सकता है तीन आईसी आपकी सेम लाइन के अब आप ही बता दीजिए ना यार क्या इसमें सारे आईसी एक ही लाइन में है फोर बार मैकेनिज्म में या किसी मैकेनिज्म की सारी आईसी एक लाइन में हो जाएगा ऐसा तो नहीं हो सकता ना यार एक सिंपल सी लॉजिक अगर मैं बताऊं तो दैट्स मई ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा अब ये वाला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा बेटा बहुत ही प्यारा questions है, फटाफट सारे लोग का जवाब जरूर ये बाला questions, आपके हाथ में आप गया, इंस्टेंटेनियस ए विध रिस्पेक्ट टू रिलेटिव सी एंड सी रिलेटिव फटाफट बताइएगा आप, तो फटा फट आप लोग जरा

कैनेडीज थ्योरम को ही यहाँ पे बताया जा रहा है यार हाँ बिल्कुल आपका सही आंसर है यहाँ पे बिल्कुल आपका बेटा सही आंसर है तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में तीन बॉडी अगर आप आपस में रिलेटिव मोशन कर रहे हैं तो इनके भी आईसी सेम लाइन में होगा वही बात इसमें किया जा रहा है बेटा कैन वी प्रोसीड टू द फर्दर एक बार बताइएगा बहुत अच्छा लगा कि इस क्वेश्चंस की लैंग्वेज को आप समझ गए सेशन में मजा आ जाए सर एक साइड शायरी हो जाए तो मतलब किस तरह की शायरी आपको चाहिए बताइएगा तभी तो मैं आपको बताऊं मतलब आप लोग बताओगे तभी तो एक किस तरह की शायरी चाहिए थोड़ा सा मुझे बताओ मोटिवेशनल शायरी सुनाता हूं बेटा ना थके हैं अभी पैर ना अभी हमने हिम्मत हारी है ना थके हैं अभी पैर ना अभी हमने हिम्मत हारी है हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का मां बाप के सपनों का इसीलिए अभी भी सफर हमारी जारी है दोस्तों अभी भी हमारे सफर को जारी है दोस्तों याद रखिएगा ठीक है तो ये आज की मोटिवेशन शायरी थी और मजा आए तो बत, एक बार दास दीजिएगा नहीं बेटा सोम की क्लास अब आपको शाम को सात बजे चल रही है सोम की क्लास आपको शाम को सात बजे चल रही है मैं आपको बताऊं अगेन एंड अगेन आपको मैं बताऊं शाम को सात बजे चल रही है मैं आपको बताऊं और ये हमारा एक रिंक है दिमाग में रखिएगा मेरे भाई ये आपका एक लिंक है समझने की कोशिश करिएगा ये आपका एक लिंक है ये और ये हमारा आ, दस रेडियन पर सेकेंड है मैं आपको अगेन बता रहा हूँ और ये हमारी दस सेंटीमीटर है और ये हमारी बीस सेंटीमीटर है और ये हमारा दस सेंटीमीटर है ठीक है और ये हमारा इनपुट लिंक है ये हमारा आउटपुट लिंक है तो आपसे आपको इसने पूछा कि आउटपुट लिंक की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी आउटपुट लिंक की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी आप मुझे बताइएगा आउटपुट रिंक की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी आप लोग मुझे जरूर बताइएगा दोस्तों बहुत ही मजा आएगा फटाफट सब लोग बताइएगा कोशिश करिए आप लोग जवाब देने का कोशिश करिए आप लोग जवाब देने का ट्राई करिए जरूर ट्राई करेंगे तो बहुत कुछ पॉसिबल है चलो फटाफट सब लोग जवाब देना है ना चलो हो जाए तो मुझे बता देना वरना मैं आपको समझा दूं पूरा हो जाए तो मुझे बता देना वरना मैं आपको सब समझा दूंगा डोंट वरी मैं यहाँ पे हूँ आप लोगों को समझाने के लिए अच्छा दीपक ने कहा नन होगा सर संदीप ने कहा नहीं ए होगा ओके लेट सी आंसर करेक्ट श्याम सक्सेना भी बोला ए संदीप ने भी बोला ए संदीप कुमार झा है ना फटाफट देखते हैं आपका आंसर सही होता है कि नहीं चलो ट्राई किया जाए मैं कराऊं चलो एक सेकेंड देखो बेटा अगर आप इसके ध्यान से देखोगे ना चलो ये हमारा पॉइंट ए है ये हमारा पॉइंट बी है ये सी है यह डी है देखो जब आप वेलोसिटी ऑफ बी विध रिस्पेक्ट टू ए निकालने की कोशिश करोगे तो दस इंटू मतलब कि डब्ल्यू ए बी हो जाएगा जब आप वेलोसिटी ऑफ सी विध रिस्पेक्ट टू डी निकालने की कोशिश करोगे तो ट्वेंटी इंटू डब्ल्यू इंटू बी सी हो मतलब सी सी डी हो जाएगा सी डी हो जाएगा अब ये देखना है कि वेलोसिटी ऑफ ए बी और वेलोसिटी ऑफ सी डी ये क्या सेम होगा तो देखो आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि ए और डी पॉइंट जब फिक्स हैं तो ए और डी ए और डी पॉइंट दोनों एक ही पॉइंट पे आएंगे ये ये आपका यहाँ पे आएगा और आपको ये भी पता होगा कि जब आप बी की वेलोसिटी ए के सापेक्ष में निकालने जाओगे तो वेलोसिटी हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी हमारा ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट के क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर होता है तो जो बी की वेलोसिटी इधर आ जाएगी बेटा वेलोसिटी आप बी जो आ जाएगा बेटा इधर आ जाएगा मैं आपको अगेन बता रहा हूं अब फिर जब वेलोसिटी आप सी निकालोगे वेलोसिटी आप सी निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू डी तो ये भी हमारी इसी सीधी लाइन में आएगी ये भी हमारी इसी सीधी लाइन में आएगी मैं आपको बताऊं इसी सीधी लाइन में होगी लेकिन कहां होगी आई कैन नॉट से दैट कि इस साइड में होगी कि इस साइड में होगी क्योंकि सी का डायरेक्शन हमें नहीं पता है मतलब सी डी लिंक की जो एंगुलर वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन हमें नहीं पता है एक बार ऐसा करते हैं कि जब हम वेलोसिटी सी का निकालना चाह रहे हैं तो बी के सापेक्ष में निकाल लो यार बी के सापेक्ष में निकाल लो क्योंकि आपने बी का पोजिशन फाइंड आउट कर दिया तो जब बी से आप निकालोगे सी का तो मुझे लग रहा है कि सी की वेलोसिटी बी के सापेक्ष में ऐसे होगी परपेंडिकुलर होगी तो ये वाली लाइन आपकी ऐसे चली जाएगी तो ये देखो आपको ना मैं आपको बता रहा हूं सी डी को सी डी को आपकी ये वाली लाइन बी पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेगी इंटरसेक्ट करेगी किस पॉइंट पे बी पॉइंट पे, तो वेलोसिटी सी भी यहीं पे होगा बी भी यहीं होगा सी और बी जब एक ही पॉइंट पे होगा सी और बी जब हमारा एक ही पॉइंट पे होगा क्योंकि सी डी वाली लाइन मतलब वेलोसिटी आप जब सी निकालोगे बी के सापेक्ष में तो ऐसे जाएगा वेलासिटी आप सी निकालोगे जब मतलब की d के सापेक्ष में तो आपका यहां आएगा ये वाली सीधी लाइन जाएगा अब ये वाली लाइन जो इसको जहां पे जाके कट कर रही है स्पेशली आपका वही पॉइंट हमारा सी हो जाएगा तो कंक्लूजन ये है मेरे भाई कि वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A मस्ट बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू D। तो 10 इंटू डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू बीस तो आप जब इसको निकालोगे मेरे भाई तो ये देख लेना तो इनपुट का हमारा दस इन इनपुट कितना है बेटा इनपुट कितना है इनपुट की कितनी है? दस और ये बीस तो डब्ल्यू सी डी कितना हो जाएगा नन डब्ल्यू सी डी कितना हो जाएगा बेटा नन हो जाएगा नन बोले तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर कितना क्लोज ऑप्शन था यार थोड़ी सी भी सावधानी हटी कोई ना कोई तो ऑप्शन मैच ही कर जाता एंगुलर वेलोसिटी अगर इसने पूछा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पांच रेडियन पर सेकंड होगा पांच रेडियन पर सेकंड बोले तो सौ बटा बीस मतलब पांच रेडियन पर सेकंड। बहुत ही क्लोज ऑप्शंस थे मैं आपको बता रहा हूं और शायद बहुत कम लोगों ने सही आंसर भी दिए थे इसकी बहुत कम लोगों ने सही आंसर दिए थे अब तो बता दो यार गजब का क्वेश्चन है कि नहीं दमदार क्वेश्चंस था कि नहीं क्वेश्चंस में दम लगा कि नहीं आप लोग मुझे बताइएगा सारे मिलकर के बताओ क्वेश्चंस में दम लगा कि नहीं है फिर से बताइए देखो यार इसमें कुछ नहीं है मैं आपको अगेन बता रहा हूँ देखो वेलोसिटी और का छुपा हुआ है देखो ये हमारी ए बी लिंक हो गई ये हमारी फिक्स वाली हो गई और ये आपकी ऐसी वाली हो गई तुम्हें करना कुछ नहीं है तुम्हें ये पता चल गया यार ध्यान से समझना सब लोग तो, दोबारा नहीं बताऊंगा यार ये क्योंकि मंजिल बहुत बड़ी है यार ए और बी देखो ये हमारा मतलब ये हमारा बी हो गया ये हमारा सी हो गया और ये हमारा डी हो गया तुम्हें तो पता है कि यार ए और डी फिक्स पॉइंट है तो ए और डी हमारा एक ही जगह पे हो जाएगा चलो यहाँ पे हो जाएगा फिर वेलोसिटी अब बी निकालोगे ए के सापेक्ष में तो परपेंडिकुलर जाएगा यार क्योंकि तो वेलोसिटी हमेशा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है फिलहाल तो अब ये देखो हमारा बी आ गया यार फिर वेलोसिटी अब तुम सी निकालोगे D के सापेक्ष में तो भी ये भी तो हमारी सीधी लाइन में ही जाएगा लेकिन कहाँ जाएगा ये पता नहीं है यार ये जाएगा तो निकाल लो तो जब अब ये हमारा ऐसे लाइन जाएगा यार। ये हमारा ऐसे लाइन जाएगा अब ये याद, याद रखना ये वाली जो वेलोसिटी है ना वेलोसिटी अब सी विद रिस्पेक्ट टू बी बीसी के परपेंडिकुलर होगा किसके होगा BC के परपेंडिकुलर तो तब तुम अब ये देखो BC के परपेंडिकुलर तो ऐसे कर दो यार ये दोनों पैरल हो गया अब देखो यही पॉइंट दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये पहले से बी था यहीं पर सी हो जाएगा इसका मतलब ये हो गया कि वेलोसिटी आप जो हमारा बी था विद रिस्पेक्ट टू ए मतलब ये हमारा ये हो गया आपका ये हमारा क्या हो गया बेटा आपका वी सी डी हो गया मतलब

या ना ना। थोड़ी सी भी सावधानी हटी हरकेश गौतम हो आप आप बताना डिपेंड है दम है तो ये क्वेश्चंस करके दिखाओ तुम लोग गलत कर दोगे मुझे पता है तुम लोगों से ना हो पाएगा ये क्वेश्चंस हाँ मुझे पता है आप लोग आंसर दोगे मुझे आप मुझे पता है यार आप लोग आंसर दोगे

Uh, मतलब कि एक्सेलरेशन uh, पिक्चर में तभी आता है जो ए जो होता है कहोगे यार आप पागल वगल तो नहीं हो गए हो गुरु हमारे आंसर को गलत कर रहे हो देखो स्लाइडर की वेलोसिटी ये जो स्लाइडर है उसकी वेलोसिटी पे तो डिपेंड करता है नो no डाउट स्लाइडर की वेलोसिटी पे तो डिपेंड करता है, दुनिया को पता है और जैसे कि आप उसमें ही बात कर दो क्या नाम है आप स्लाटेड बार में क्रैंक एंड स्लाटेड बार में ही बात कर दो तो देखो

क्रैंक एंगुलर वेलोसिटी नहीं अगर यहां पे आपका होता बार की एंगुलर वेलोसिटी तब आपका आंसर सी होता तो फिलहाल एसीसी की वैल्यू जो होती है वो टू इन तो फिलहाल बेस्ट आंसर इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए दे दोगे आप बेस्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर दे दो है ना बेस्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा अब बताइएगा तो बी इज नॉट द राइट आंसर बी वाला पोर्सन तो नहीं हो जाएगा ना बी वाला तो आंसर नहीं हो जाएगा ना आप लोग बताइएगा सारे लोग मिलकर के बताइए अब आंसर क्या होगा अब आप लोग आंसर बताइएगा बेटा सारे लोग अब आंसर बताइए हाँ अगर वहां पे स्लाटेड बार होता तो आंसर हो जाता दिस इस इज कॉल्ड डीप एनालिसिस मैकेनिकल वॉरियर जी कह रहे हैं हाँ बेटा ये आपको कहते हैं डीप एनालिसिस तो आप लोग गलती कहां पे कर रहे हो पता है आप लोग गलती कहां पर कर रहे हो पता है छोटी छोटी चीजों में लेकिन पेपर में इस तरह की गलती नहीं ना करोगे एक एक ऑप्शन को एक एक क्वेश्चंस को अगर आपको अपनी अच्छी करनी है तो आपको एक एक चीज पे फोकस करना पड़ेगा मतलब कोई भी चीज रैंडम नहीं करना पड़ेगा यार रैंडम करना है तो गड़बड़ हो जाएगा बेटा आपका अब आपको बताना है बेटा यहाँ पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोरोन एट द सेंटर ऑफ क्वेश्चन है यार बहुत अच्छा क्वेश्चन है मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूं जरूर कि इसका आंसर जरूर बताइएगा आप लोग आप इसका आंसर जरूर बताइएगा सब लोग पार्टिसिपेट करो आज बच्चों की संख्या थोड़ी सी कम है ये मुझे बड़ा दुख है यार क्योंकि हमने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं यार एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से लेक्चर्स हम लोग प्लान कर रहे हैं तो यार आप लोग थोड़ा सा उस पर ध्यान दो बहुत गजब का सेशन प्लान कर रहे हैं चलो अब ये क्वेश्चन का बच्चे आंसर बता रहे हैं कि इन्फिनेटिव होगा ओके दस का ए होगा देखो अगर अगर आप बात करोगे मैं आपको अगेन बता रहा हूं समझना इस बात को ये इसी में है स्लाइडर इसमें है स्लाइडर मैं आपको बताऊ जब ये स्लाटेड बार रोटेट करते करते दिमाग पर रखना बेटा बार रोटेट करते करते एकदम मीट पोजिशन में जब आ जाता है तो मैं आपको अगेन स्थिति बताता हूँ पहली बात कंडीशन कुछ ऐसा बन जाता है और उस समय जो स्लाइडर होता है ना एकदम टॉप पे रहता है उस समय स्लाइडर एकदम ऊपर आ जाता है ये अपने मीन एक्सट्रीम पोजीशन पे और इस समय जो हमारा स्लाइडर की वेलोसिटी होती है ना इस समय जो स्लाइडिंग वेलोसिटी हो जाती है क्योंकि स्लाइडर एकदम ऊपर है तो स्लाइडर यहाँ से नीचे आएगा

इस केस में मैं आपको बताऊं यहां पे जब स्वाटेड बार होता है यहां पे तो मैं आपको यहां पे W0 होता है और वी एस जीरो जीरो डब्ल्यू जीरो नहीं होता है, है, तो हो है, है. फिलहाल दो में से कोई एक भी जीरो हो जाए तो भी आपका काम चल जाएगा दिस इज नॉट द मैकेनिकल वार्निंग दिस इज सिलेक्शन वारियर

चलो बेटा फटाफट सभी लोग जवाब दीजिएगा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ कोरोजिस कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलेरेशन इन द स्टार्टेड रिवर क्रैंक मैकेनिज्म बात यहाँ पे डायरेक्शंस की आ गई बेटा बात यहाँ पे डायरेक्शंस की आ गई है अब तो बात बहुत दूर तक जाएगी अब तो फैदी है तो बहुत दूर तक बात जाएगी अच्छा मैकेनिकल वरियर ने जवाब दे दिया भाई बाकी मैकेनिकल वरियर्स क्या जवाब दे रहे हैं बाकी मैकेनिकल वारियर्स क्या जवाब दे रहे हैं इस क्वेश्चन का बाकी लोग भी जवाब दे भाई अच्छा अच्छा प्रियांशु गौरव सब लोग जवाब दो भाई सबको जवाब दे, दे रहा है यहां पे जितने लाइव पढ़ रहे हैं सबको सजेक्शन देना सबको सजेक्शन चाहिए सबको सजेक्शन चाहिए अच्छा तो बिल्कुल बेटा यहाँ पे राइट right आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा

सबसे पहले क्या करना है कि आपको जैसे स्लाटेड बार हमारा इधर जा रहा है स्लाटेड बार सपोज करो इधर जा रहा है दोस्त दिमाग पे रखना और हमारा स्लाइडर ऊपर जा रहा है सपोज करो हमारा स्लाइडर ऊपर जा रहा है इसके डायरेक्शन को सेंस करने के लिए डायरेक्शन को बताने के लिए मैं कहिए तो आपको एक ट्रिक बताऊं मैं आपको कहिए तो एक ट्रिक बताऊं अगर आप ट्रिक का मेरे जोरदार समर्थन करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा आप बताइएगा अगर मैं मेरे ट्रिक का आप जोरदार तरीके से सब लोग मिल करके समर्थन करेंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा आपको जरूर बताऊंगा बेटा लेकिन समर्थन तो करना चाहिए ना आप सभी लोगों को आप सबको समर्थन करना है जरूर तो बेटा अब आपको समर्थन करने की बात आ गई कि आपको समर्थन करना है अगर आप करते हैं तो मैं बताता हूं यार चलो इसका ट्रिक बताता हूँ देखो सबसे पहले आपको घड़ी में देखना है जैसे सबसे पहला काम क्या करना है स्लाइडर स्लाइडर किधर जा जा रहा है? अच्छा। स्लाइडर जा रहा है है अच्छा ऊपर तो घड़ी में आपके तुरंत ऊपर देखोगे ना जब स्लाइडर ऊपर जाएगा तो घड़ी में आपकी जैसे कि ये आपकी घड़ी है तो घड़ी में तुरंत आपका क्या बजेगा जैसे ही स्लाइडर ऊपर जाएगा घड़ी में बजेगा बेटा बारह क्या बजेगा बारह फिर दूसरा आपको करना है क्या दूसरा क्या करना है बेटा

स्लाइडर के 90 डिग्री पे तो ये हमारा एसीसी को हो जाएगा ये हमारा एसीसी सी का डायरेक्शन हो जाएगा तो इसके हिसाब से बेस्ट आंसर जो आ जा रहा है बेटा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर यहां पे हो जाएगा ठीक है ये दिमाग में रखना चलो अब आगे की तरफ बढ़ें आगे की तरफ बढ़ें कि एक दो प्रॉब्लम इसमें और करोगे एक दो प्रॉब्लम और करोगे एक दो प्रॉब्लम और, और, और करोगे आप बताओ ये वाला कर लिए देखो बेटा मैकेनिकल की महापैक जितने भी बच्चे अदर हैं मैकेनिकल का महापैक अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो फटाफट ज्वाइन कर देना मैं आपको बता रहा हूँ जिंदगी का बदलता हुआ सेशन है आपको मैं बताऊ इसका कोई तोड़ नहीं इसका कोई जोड़ नहीं है आपको सलेक्शन के लिए मैकेनिकल महापैक जरूर दे देना चाहिए क्योंकि आज फाइनली डबल वेगेटी खत्म हो रही है दोस्तों हाँ मैंने आपको बताया था ना कि YouTube और पेड बहुत जरूरी है कभी कभी कुछ चीजें यहाँ पे भी हो जाती है वहां पे नहीं हो पाती है इसीलिए मैं कहता हूं कि दोनों ही क्लास बहुत जरूरी है हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है पढ़ना बहुत ज्यादा है विल बी डिस्कस्ड ठीक है चलो बेटा अब ये वाला क्वेश्चंस देखिएगा सबसे पहले कौन बताता है एंगल बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर एंड रेडियल एक्सलेशन वेक्टर विल बी व्हाट फटाफट सारे लोग जवाब दें भाई वेलोसिटी वेक्टर और आपका रेडियल एक्सलरेशन वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा जीरो डिग्री नाइनटी डिग्री वन एट्टी डिग्री या नन इज द राइट आंसर आपको क्या लगता है फटाफट सभी लोग जवाब दीजिएगा बेटा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन से बहुत ही प्यारा क्वेश्चन से बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ओके 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 क्या बात है यार मुझे लग रहा है कि मेरे शेर आप लोग तो, अच्छा मैं मजे की बात बताऊं ये चीज मैंने आज ही मैंने आपको यहां पे देखो स की जब मैं कंसेप्ट आप लोगों को डिस्कस कर रहा था तो आई थिंक मैंने आपको बताया था आ, पहले तो मैंने बताया कि एंगुलर वेलोसिटी वेलोसिटी क्या होता up, up, angular angular होता है है रेट ऑफ ऑफ चेंज एंगुलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्योर लीनियर मोशन के लिए मैंने आपको बताया था इसकी वैल्यू जीरो होती है आ, मतलब थीटा की वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है तो डब्ल्यू की वैल्यू जीरो हो जाती है अल्फा जो हो जाएगा तब डी ओमेगा बाई डी टी तो ऐसे केस में आपका अल्फा हमारा जीरो हो जाता है हाँ ठीक है अब देखो

और फिर आपको पता चला कि अल्फा क्या होता है रेट ऑफ ऑफ चेंज एंगुलर वेलोसिटी यदि हमारा अल्फा की वैल्यू जीरो है अल्फा कब होता है जब हो हमारा ओमेगा की वैल्यू क्या होती है कॉन्स्टेंट तो एटी की वैल्यू जीरो हो जाती है ठीक है और लेकिन प्रश्न में पूछा है कि आपका इसके और इसके बीच का एंगल कितना होता है तो आपका जवाब हो जाएगा बेटा 90 डिग्री होता है ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया था ठीक है तो आई थिंक ये राइट right आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका uh, 90 डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री ऑप्शन नंबर बीस इज द राइट आंसर चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस करना आप लोग तो नेक्स्ट क्वेश्चंस करना आप लोग एंगल बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर एंड टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन वेक्टर क्या होगा आप लोग मुझे जरूर बताइएगा एंगल बिटवीन द जो होगा एंगल बिटवीन द जो होगा वेलोसिटी वेक्टर एंड वेक्टर एंड टेंजेंशियल एक्सलेशन वेक्टर के बीच में व्हाट विल बी द एंगल जस्ट आई वांट टू नो जस्ट आई वांट टू नो फ्रॉम योर साइड व्हाट इज द एंगल बिहाइंड द सीन जस्ट आई वांट टू नो यस कैन यू टेल मी कैन यू टेल मी ओ सावधानी हटी दुर्घटना घटी मैं आपको बता रहा हूं सावधानी हटी दुर्घटना घटी आप लोग तो क्या मुझे बता सकते हैं क्या कि वॉट विल बी पॉसिबल एंगल आप समझ रहे हैं मैं मेरा मेरा डायरेक्शन किधर है <laughs> मैं किसको पढ़ा रहा हूं इस समय <laughs> कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना और ओम है खजाना वाह लेकिन मैं आपको सत्य बताऊं इसका आंसर क्या होगा बेटा इसका राइट right आंसर बेटा बोथ जीरो भी पॉसिबल है वन एट्टी डिग्री भी पॉसिबल है आपको सदमा लगेगा ना आपको सदमा लगेगा ना अरे नो और ऐसे कैसे हो सकता है ऐसे कैसे हो सकता है आइए मैं आप बताता हूं क्या आप इसका कॉन्सेप्ट अंदर से घुस घुस कर पढ़ना चाहते हैं फटाफट मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो 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 जरूर बताइएगा 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 चलो बेटा आइए देखते हैं आइए देखते हैं बेटा थोड़ा सा समझते हैं बेटा देखो जैसे ये रिंक है दिमाग में रखना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना बेटा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की समझने की कोशिश करना ठीक है ये देखो अगर मैं आपको बोलूं ध्यान से देखना ये आपका ओ है ये ए है अब लिंक अगर सपोज करो ये हमारा डब्ल्यू है और इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है तो अल्फा हमारा पॉजिटिव होगा अल्फा हमारा क्या होगा पॉजिटिव इस केस में वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन तो ये होगा दोस्तों वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा और ये इधर होगा और इधर ही हमारा एटी भी होगा हमारा तो तो हो गया। यहां पे तो दोनों के जीरो हो गया। बात आपकी सही है, 100 सही है कि यहां पे एंगल हमारा कितना हो गया जीरो हो गया। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कोशिश करना कि अगर बाई डिफॉल्ट ऐसा हो कि लिंक भले ही क्लाक वाइज जा रहा हो लेकिन डब्ल्यू हमारा हो डिक्रीज हो रहा है डब्ल्यू डिक्रीज हो रहा है तो बेटा अल्फा की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी क्योंकि तो अल्फा होता क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होता है D by D अल्फा हमारा कितना हो जाएगा अब जब अल्फा हो इसका मतलब आपका रिटार्डेशन हो रहा है क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। दिमाग रिटार्डेशन हो रहा है। तो उस केस में रखिएगा हमारा इधर आ जाएगा वेक्टर उधर ही रहेगा लेकिन एटी हमारा इधर आ जाएगा अब आप मुझे बताइए अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा फिर आप इस केस में आपका इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा कौन है सर बताइएगा अब आप मुझे बताइएगा यहाँ पे सभी लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा मेरे लाल जितने भी बच्चे हैं सेशंस को लाइक कर दे यार एक बार पहले तो सेशंस को लाइक करोगे तभी मजा आएगा और अगला क्वेश्चंस भी कराएंगे आप लोगों को है ना तो जल्दी जल्दी मुझे बताइएगा दोस्तों फटाफट बताइएगा दोस्तों तो I think -C, अब तो तो अब अब बता दो यार यार तो आपका हो जाएगा यार, कोई सोचने की जरूरत नहीं है मेरे भाई सोचने की जरूरत नहीं है 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 अब तो तो और -C हो जाएगा बस खत्म बात तो इसलिए आपको पे पे भले ही देखो इधर है, लेकिन हमारा ठीक चलो अब ये से बताना

एक बार सेशंस को आर के सर के सेशंस को लाइक करिएगा और आज शाम को सात बजे दोस्तों अगेन शो मैफम की निर्णायक लड़ाई चलेगी आप लोगों के बीच में निर्णायक लड़ाई चलेगी बहुत मतलब आप ये सोचिएगा दस नंबर का आप मेरे से यहाँ पढ़ रहे हो सिस्टमेटिक तरीके से टेन मार्क्स का आप यहाँ पढ़ रहे हो दस नंबर का यहाँ पढ़ रहे हो और फिर तीस नंबर का शाम को सात बजे प्लस पंद्रह नंबर का पैतालीस प्लस दस ये सब कराने में मेरे को मात्र वन एंड हाफ मंथ लगेगा मतलब तुम्हारे एस एस सी डिफरेंट एग्जामिनेशन की फिफ्टी मार्क्स यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए तो आपके क्वेश्चन के लिए हम तैयार हैं दोस्तों और पढ़ा भी रहे हैं बस यही मैं आपको बोलूं कि आप लोगों को रेगुलर रहना पड़ेगा आर यू एक्साइटेड टू बिकम रेगुलर स्टूडेंट ऑफ सलेक्शन वॉरियर सीरीज फटाफट मुझे एक बार थम्स अप करिएगा सर मैं आपके साथ डेढ़ महीने रेगुलर रहने के लिए तैयार हूँ बस आप मंजिल तक ले जाइए मुझे जरूर बताइएगा दोस्तों यस देन आई विल बी रियली कि भगवान का आशीर्वाद महाकाल का मंदिर हमारे घर के बगल में है मैं कहूंगा कि इन एस्पेरेंट्स को मैक्सिमम बेनिफिट दीजिए भगवान पता है क्यों सबसे बड़ा जो चाबी होता है का ना वो रेगुलरिटी होती है जिसके पास रेगुलरिटी है वो बहुत कुछ जाएगा दोस्तों रति बेटा एक्चुअल में क्या है ना कि टाइम इसलिए नहीं चेंज हो पाता कि वो मैं आज से तीन सालों से उसी टाइम पे पढ़ा रहा हूं यार। तीन सालों से उसी टाइम पे पढ़ा रहा हूं और मैक्सिमम बच्चे उस टाइम पे आते हैं यार तो प्लीज यार जिंदगी में करियर बनाने के लिए तुम्हें तो तुम आना ही चाहिए यार ठीक है अब यहां पे देखो यार इसका राइट आंसर क्या होगा समझना थोड़ा सा देखो कहानी वही है यार देखो यहां पे हमारा अल्फा की वैल्यू दी है बेटा बारह ओमेगा की वैल्यू दी है चार और लिंक की लंबाई कितनी है बेटा दो मीटर तो देखो ए जो हो जाएगा मैं आपको बता देता हूँ बारह इंटू दो बोले तो चौबीस ए आर जो हो जाएगा बेटा ए आर होगा वी स्क्वायर बाई ओ ए या हमारा ओ ए इंटू ओमेगा स्क्वायर मैंने आपको बताया था चलो आप ओ ए कर दो पी क्यू कर दो कुछ भी कर दो यार सिंपल सी बात है क्यू कर दो तो दो ओमेगा चार का स्क्वा सोलह बत्तीस तो अब अबी और ए आर तो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं और पर आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो अब आप ही मुझे बताइएगा आप ही मुझे बताइएगा एटी और ए आर जब आपस में परपेंडिकुलर होंगे तब कितना आंसर आएगा भाई इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा अंडर रूट ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर ए स्क्वायर और at टी स्क्वायर इसमें कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा क्या या कितना आएगा मुझे बताना आप लोगों को कितना आएगा मुझे बताना दोस्तों कितना आएगा आप मुझे बताना जरूर बत्तीस और चौबीस का स्क्वायर रूट करो सब लोग तो करो जरा फटाफट फड़ सॉल्व तो थर्टी टू प्लस ट्वेंटी फोर के पावर टू चालीस आ जा रहा है ए इज द राइट आंसर मैं सही है ओके okay? जो बच्चे सही है चालीस इज द राइट आंसर बेटा फर्ट इज द राइट आंसर फोर्टी इज द राइट आंसर रति आपका फोर्टी आ गया डेफिनेटली फोर्टी हमारा सही आंसर होगा चालीस ही आपका राइट right आंसर होगा तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था आपको बहुत कुछ सिखाया मैंने और कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ प्रैक्टिस करिएगा ज़रूर लाइक ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में प्रैक्टिस करिएगा ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में प्रैक्टिस करिएगा ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में प्रैक्टिस करिएगा ये वाला करिएगा तो ये सारे क्वेश्चन होमवर्क में आपको दे रहा हूँ ठीक है तो गाइज़ आपको मज़ा आया तो सेसन्स को लाइक करिएगा और चार बजे की क्लास कभी मत मिस करिएगा प्रॉपर डेडिकेटेड रेगुलरिटी बनाए रखिए आपको बहुत कुछ मिलने वाला है ठीक है तो थैंक यू बीइंग द पार्ट ऑफ सेशन दिसंस को लाइक करिएगा धन्यवाद और जो नए एक्सपेरियंट्स हैं मेक श्योर दैट कि अपनी जर्नी को स्टार्ट करो यार कब तक आप लोग भटकते रहोगे आपके पास जब बता रहा हूँ इंडिया का बेस्ट एजुकेटर आपके साथ जुड़ा हुआ है आपको डेडिकेशन के साथ पढ़ा रहा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग को आ, तो आपके पास चाहे डी डी एस टारगेट हो चाहे एस एस सी जई चाहे एम पी सब इंजीनियर चाहे आपका टेस्टरी चाहिए चाहे ई बुक चाहिए चाहे कुछ भी चाहिए एक्स वाई जेड ज्वाइन मैकेनिकल इंजीनियरिंग महापैक

ठीक है थैंक यू बाय जय हिंद दोस्तों जय हिंद जय हिंद नमस्कार